तो एक आग ये है जिस पर काबू पा लिया गया, एक और आग लगी है पेट्रोल डीजल के दामों में जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बड़ी चूक सामने आई। सुबह 6 बजे देश भर में पेट्रोल और डीजल की दरें सस्ती करने का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोल महज 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया, डीजल महज 56 पैसे लीटर सस्ता हो गया। लेकिन ठीक 5 घंटे बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सफाई आ गई। IOC ने कहा कि ये टाइपिंग की चूक थी। सफाई के मुताबिक पेट्रोल आज 60 पैसे नहीं बल्कि महज 1 पैसे सस्ता हुआ और डीजल की दर में भी कुछ इतनी ही कमी आई है। हम आपको अलग अलग शहरों के दाम दिखा रहे थे कि 1 पैसे सस्ता होने के बाद अब कीमतें कितनी है। तेल की कीमत में लगा ऊपर जाने के टाइम है ना ज्यादा से पैसा से बढ़ा रहा है और नीचे लेते टाइम कम पैसे में ले रहा है। अभी 1 पैसा ही कम हुआ लेकिन 60 पैसा गिरा था, लेकिन गवर्नमेंट अभी कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि ना उनको भी इधर पर ध्यान है, उनका भी पार्लियामेंट में बात भी चालू है ऐसा हमने टीवी पे देखता है। यहाँ मिलेगी 1 पैसे का कोई हिसाब ही नहीं रह गया, 50 पैसे का हिसाब नहीं रह गया। आप इनके 20 रुपए बढ़ा दें फिर 1 पैसा कम कर दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता है, अब 1 पैसे में क्या होता है, रोज तो दाम बढ़ रहा है, आज फिर 16 पैसे बढ़ गए। देखिए केवल जनता धोखा देने का काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। 1 पैसे कमी कोई कमी होती है तो जनता था मजाक किया उनने। हाँ इससे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा जो भी कम हुआ है, और होप करते हैं कि आगे भी थोड़ा और कम हो। 50 पैसे 60 पैसे इससे बड़े बढ़ा देते तो ठीक था, इससे कम करने से क्या फायदा है? तो कुछ नहीं होगा, 1 पैसे से क्या होता है, 1-2 पैसा कम होता है तो क्या कुछ फायदा तो नहीं होता है। 2-5-10 पैसा होता है तो तब कुछ होता है, 1 पैसे से क्या होता है? ये 1 पैसा अगर कीमत घटी है तो क्या लोगों को भंगड़ा डालना चाहिए? ये सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी असंवेदनशील है कि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहा है और ये आम लोगों के ऊपर भार पर भार डाले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री स्वयं इसका कोई समाधान खोजेंगे। सर आसमान छूते हुए दाम हमारी सरकार के लिए बहुत घातक हो। तो आपने कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी को सुना, लेकिन तेल की कीमत पर लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने आज मोर्चा भी खोल दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसके बावजूद घंटों तक ये प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस हमला बोल रही है सरकार पर, और उनकी मांग है कि तेल की कीमतों में कमी की जाए। यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने आज अपनी ताकत दिखाते हुए यहां पर तमाम समर्थकों के साथ भारत बचाओ जन आंदोलन के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। और निश्चित तौर पर जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहां चारों तरफ BJP पर लगातार हमलावर हैं। निश्चित तौर पर नए अध्यक्ष की कोशिश है कि वो पूरी ताकत दिखाएं राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने। और निश्चित तौर पर अहम बात यह है कि किस तरीके से वो हमला बोलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी होती है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। इनकी कोशिश है कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर से संसद भवन की ओर कूच किया जाए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेड करके कर रखा हुआ है। अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, देश में सुरक्षा का माहौल है, दलित मारे जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान मारे जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम चल रहे हैं। एक और बात है, आज सवेरे पेट्रोल डीजल के दाम पहले कहा गया 66 पैसे घट गए और फिर दोबारा कहा कि सिर्फ 1 पैसा घटा। ये भाजपा का नाटक है, ये पूंजीपतियों को लूटने बढ़ाने की और गरीबों को लूटने की साजिश है, इसलिए हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। ये नाटक किया और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस लड़ रही है। लड़ाई तक जाएंगे आप, संसद तक जाएंगे, लाठी खाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।